हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ इंद्रजीत। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। एंड गाइस, अभी मॉर्निंग का टाइम है और आज एक्चुअली हमें जाना है फरीदाबाद रॉकिंग डील मॉल कुछ सामान लेने। क्या लेने जा रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगी बाद में, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं है हमारे बजट के अकॉर्डिंग कि हमें वो चीज़ मिल ही जाएगी वहाँ से डेफिनेटली या नहीं। तो बस जा रहे हैं। एक्चुअली दक्षु के पापा को कुछ काम भी है उस साइड, इनका कुछ है, कुछ ऑर्डर का कुछ काम है, और मैंने सोचा कि चलो जो हमें लेना है वहाँ से मिल जाएगा। और मेरा छोटा वाला ट्राईपॉड जो है वो टूट गया है कल। सो काफ़ी टाइम से ना उसको मैं ऐसे ही टेम्परेरी यूज़ कर रही थी, बट कल बिल्कुल ही टूट गया है। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक और काफ़ी ऐसी चीज़ें वहाँ पे अप्लाइंसेस वगैरह मिल जाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ अगर वैसा ट्राईपॉड वहाँ पे अच्छे रेट में मिल गया तो मैं वो भी ले आऊँगी। दक्षु के चल रहे हैं कार्टून, उसके लिए बना रही हूँ यहाँ पे मैं गुड़ ओट्स का चीला। और उसको गुड़ ओट्स का चीला बहुत पसंद है। आटा होता है ना, जैसे गेहूं का आटा, या तो उसमें भी गुड़ वगैरह डाल के उसका चीला बना दो या फिर ओट्स में डाल के बना दो, वो सबसे ज़्यादा हेल्दी है। एक तो बच्चे के अंदर ओट्स जाते हैं, और हल्का सा देसी घी लगा देती हूँ मैं इसके लिए, तो ये खुश होकर खा लेता है। तो इसके लिए वही बना रही थी मैं। दक्षु के पापा उधर पीछे इस वाले वॉशरूम में नहा रहे हैं, तो बस अभी ये सारे काम ख़त्म करके मैं भी नहाऊंगी, तो उसके बाद फिर मैं और दक्षु रेडी हो जाएंगे। दक्षु को आज थोड़ी सी ठंड लग गई है आई थिंक, क्योंकि सुबह ना इसने उठते ही वॉमिटिंग कर दी दूध पीने के बाद, तो इसलिए आज मैं इसको नहलाऊंगी नहीं। तो इसको मैं ऐसे ही हाथ मुँह धो दूँगी इसका, और इसका चीला जो है वो रेडी हो गया है बन के। ये देखिए, तो चलिए गाइस अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। मुझे यहाँ बैठ के फोन दे दो। कितना खोल दिया, पर कैसे खोल दिया।
चाचा डांस पीछे पीछे आंदी मेरी बोतल ले आई पीछे पीछे आंदी मेरी बोतल ले आई गाते गाना बना ले कमाई इतना जादू ना हो जा हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो गाइज, अभी दक्षु आया है ट्यूशन से और ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है एंड कल से व्लॉग को स्टार्ट किया हुआ है। सो कल पूरा व्लॉग शूट हो ही नहीं पाया तो मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, क्या क्या दिखा रही हो? पिंक 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 हो गई टंग, दिखाओ क्या? ये तो बहुत पिंक पिंक हो गई, कैसे हुई? कैसे? जब मैं वो खा रहा था ना। क्या खा रहे थे? वो वाला क्या नाम क्या है उसका? जेली। जेली खा के आए हो? हाँ। पिंक वाली? हाँ जी। चलो जाओ फिर खेल लो। कैसा रहा आपका ट्यूशन आज? पढ़ाई की या थप्पड़ खा के आए हो सर से? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैम आई नहीं आज, इसकी सर नहीं पढ़ाया, आज शरारत करके आया है पूरी। पिट्टी हो जाएगी, ठंड हो रही है, जैकेट मत खोलना, फिर घूमने नहीं लेके जाऊंगी बाहर। कोई बात नहीं। अच्छा, सो बस मैंने सोचा कि चलिए आज करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। कल ब्लॉग शूट हो ही नहीं पाया, छोटा सा ही ब्लॉग बना था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी चिट चैट, थोड़ी सी बातें हो जाए आप सबके साथ। एक्चुअली मुझे बहुत टाइम से कमेंट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर, बहुत सारे डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं। जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पे 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 मंथ मुझे हो गया है यहाँ पे आए हुए। अक्टूबर 21st को हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे एंड नवम्बर दिसंबर चल रहा है अभी, तो ऑलमोस्ट हमें 2 मंथ हो चुके हैं यहाँ पे आए हुए। तो मुझे तब से कॉन्टीन्यूसली सेम मैसेजेस, सेम डीएम्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पर और कमेंट वगैरह आ रहे हैं कि ये जो घर जहाँ पर हम शिफ्ट हुए हैं ये रेंट का है या अपना घर है। तो ये आपके सवाल का जवाब देने के लिए मैं आज कैमरा उठा के आप सबसे बात करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग नहीं, आज एक छोटा सा वीडियो का क्लिप इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि आप सबको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सो ये जो मेरा घर है जहाँ पर हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, ये किराए का नहीं है, ये हमारा अपना घर है। सो 8 साल मैं रेंट के घर पे रही हूँ, जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं रेंट पे ही हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड, और उसके बाद फिर दक्षु हमारी लाइफ में आया। सो वो भी रेंट के ही घर में गया था। सो जहाँ से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, जिस घर से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी, जहाँ से हम अभी अभी शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पे मैं 4 साल रही हूँ, हम लोग 4 साल रहे हैं वहाँ पे, और उसी घर में मेरा दक्षु आया था। दक्षु जो मैं प्रेग्नेंट थी जब हमने वहाँ पे शिफ्ट किया था, और दक्षु उसी घर में आया था, और दक्षु भी अभी 4.5 साल का हो गया। तो 4.5 साल हम उस घर में रहे हैं। देन उससे पहले 4 साल भी हम रेंट पे ही थे, जब दक्षु हमारी लाइफ में नहीं था तब मैं और मेरे हस्बैंड रेंट पे रहते थे। और हमने रेंट पे रहते रहते मैं आपको बताती हूँ कितने घर चेंज किए। सबसे पहले शादी होती मैं हिमाचल गई थी, मेरे हस्बैंड का काम था वहाँ पे, तो वहाँ पर रेंट पे घर लिया हुआ था हमने। तो वहाँ पर हमने 2 जगह शिफ्ट किया, एक घर पे स्टार्टिंग में रहते थे, फिर दूसरी जगह शिफ्ट किया, वहाँ से फिर हम दिल्ली आ गए। वहाँ पे हिमाचल में 2.5 साल रहे हैं, देन फिर हम दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। फिर दिल्ली में आके भी जिस घर में आए वहाँ पे, वो हमारा तीसरा रेंट का घर था। देन उसके बाद फिर वहीं पास में किसी रीज़न की वजह से फिर से चेंज करना पड़ा, फिर चौथा घर हो गया। देन फिर मैं प्रेग्नेंट थी और तब भी हमें किसी रीज़न की वजह से शिफ्ट करना पड़ा था, रेंट आई थिंक ज़्यादा था वहाँ का। तब फिर हमने 5वां घर शिफ्ट किया।
पांच घर शिफ्ट होने के बाद फिर सिक्स जो घर था वो उतार दो जाओ तो नीचे नहीं होगी ये। नहीं अभी रुको गाइस, मैं अभी दक्षिण की पहले तो ये उतार दूं जैकेट, उसको ना दो जैकेट पहना रखी है तो उसको इरिटेशन हो रही है थोड़ी सी। ऐसे नहीं करते, बदतमीजी नहीं करते, गुड मैनर्स ठीक है आपके अंदर लगता है गुड मैनर्स की कमी है लक्षु, हमेशा अच्छे मैनर्स दिखाओ, गंदे बच्चे नहीं बनते ओके। गुड मैनर्स, गुड मैनर्स। तो फिर वहां से हमने सिक्स्थ एंड लास्ट जो रेंट का घर शिफ्ट किया, तब मैं प्रेग्नेंट तो थी और दक्षु मतलब उसी घर में आया था, तो फिर उस घर में मैं हम लोग 4 साल रहे हैं। देन उसके बाद उसी घर से मैंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है, मेरी ब्लॉगिंग वगैरह सब मैंने उसी घर से की है। थोड़ी बहुत दिक्कतें उस घर में भी थी, प्रॉपर तो देखो हर चीज़ कहीं भी परफेक्ट आपको नहीं मिल सकती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ तो हर जगह होती हैं। हाँ ये है कि अगर हमारा अपना घर होता है तो छोटी मोटी जो कमियाँ होती हैं, इनपरफेक्ट चीज़ें होती हैं, तो वो हमारी अपनी चीज़ होती है, अपनी जगह होती है, तो उसको हम परफेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। तो रेंट के घर में ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें आई हैं, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं कि हम बिल्कुल परेशानी हो गए थे, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। बट जिस घर में दक्षु हमारे साथ 4 साल रहा है रेंट के घर पे, उस घर से मैंने अपनी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की, उसी घर में दक्षु आया और उसी घर से मैं अपना घर बना के निकली हूँ वहाँ से। और वो घर मेरे लिए लकी था, बहुत अच्छा था, छोटी मोटी दिक्कतें थी वहाँ पे, बट उन सब चीज़ों को, उन सब बातों को इग्नोर करते हुए मैं अगर एक पॉजिटिव चीज़ को सोच के चलूँ तो मुझे वहाँ से बहुत कुछ मिला। बहुत सारी हमारी लड़ाइयाँ झगड़े भी होते थे मेरे और मेरे हस्बैंड के, उस चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, और सब में ही होते हैं हमारे। मैं कोई नई नहीं हूँ, जो हमारे ही होते थे, सबके होते हैं, हर किसी में नोकझोंक होती है, बट हमारे में प्यार भी इतना था, इतनी अच्छी स्ट्रांग बॉन्डिंग थी कि हम एक दूसरे को छोड़ भी नहीं पाते थे। सो बहुत सारी खट्टी मिट्टी यादें। नहीं पैंट नहीं उतारनी दक्षु, इसको पहन के रखो, बहुत ठंड है, इसको पहन लो, चलो बाहर चलो। चलो तो बहुत सारी ऐसी खट्टी मीठी प्यारी प्यारी यादें हैं उस घर में। तो रेंट पे रहते रहते हमें 8 साल हो गए थे, 8.5 साल, और 4 साल इस घर में हमने बिताए हैं जहाँ पे दक्षु आया था। तो उस घर को मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी, और वो घर मेरे यूट्यूब चैनल पे एज अ मेमोरी यादें उसकी हैं, वीडियोस के थ्रू सारी उसकी यादें, दक्षु का बचपन, हर चीज़ मैंने उसमें कैप्चर कर रखी है, अपनी डेली रूटीन की चीज़ें हर चीज़ मैंने कैप्चर कर रखी है, मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। और मतलब ये है कि पीछे जो चीज़ें छूट जाती हैं याद तो बहुत आती है, बट मैं अपने आप को लकी फील करती हूँ। लकी इसीलिए फील करती हूँ क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल है और मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे उस घर की सारी चीज़ें कैप्चर की हुई हैं, और वो मेमोरी हमेशा मेरे साथ रहेगी। जब भी मेरा मन करेगा मैं अपनी वीडियोस उठा के खोल के देख सकती हूँ कि ये मेरा पुराना घर था, दक्षु है उसमें, दक्षु जब छोटा सा था मतलब हुआ था तब की वीडियोस, मैंने तभी चैनल स्टार्ट कर दिया था इसके कुछ टाइम बाद इसके होने के, तो वहाँ पर सारी चीज़ें इसकी कैप्चर ही हुई हैं मैंने एज अ मेमोरी। और जब ये बड़ा होगा तो ये भी देखेगा कि मेरी मम्मा ने मेरा सारा बचपन कैप्चर किया हुआ है, जब इसने क्रॉलिंग करना स्टार्ट किया था, बैठना स्टार्ट किया था, चलना स्टार्ट किया था, तो वो सारी मेमोरीज मैंने इसकी कैप्चर की हुई हैं। तो इसलिए रेंट के जितने भी अभी तक घर हमने चेंज किए थे उन सब में लास्ट वाला जो घर था वो मेरा फेवरेट था, और उसको मैं कभी भूल नहीं सकती क्योंकि वहाँ से मुझे बहुत कुछ मिला है, बहुत ज़्यादा कुछ। तो बस वहाँ से निकली हूँ तो मैं अभी अपने घर में आई हूँ, ये मेरा और मेरे हस्बैंड का, मेरे दक्षु का हमारा अपना घर है, और भगवान से बहुत बहुत ज़्यादा मैंने प्रे करती थी कि मेरा अपना घर हो जाए,
और सब बोलते थे कि कोई बात नहीं, 30-30 साल भी लोग रेंट पे रहते हैं तो कोई बात नहीं, अपना घर हो जाएगा, दक्षु बड़ा होगा तो वो आपको सब कुछ लेके देगा जब वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा वो चीज़ें ठीक है, बट अभी फिर तो हम बूढ़े हो जाएंगे, एज हो जाएगी, वो ख्वाहिशें, वो जो मन में एक चीज़ें होती हैं कि अपने घर को ऐसे बना के रखना है ऐसे, क्योंकि मुझे घर को सजाने का, ऑर्गेनाइज करके रखने का, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लीनिंग एंड ये सारी चीज़ें, घर को सजा के रखना, डेकोरेशन वगैरह, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। तो मैं सोचती थी कि यार अभी बीच में आ गया था हस्बैंड का कॉल और मेरी जो फीलिंग होती है ना मैं ज़ाहिर करना चाहती हूँ वीडियो के ज़रिए, तो मेरी बीच में ही रह जाती है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे एकदम से फ़ोन उठा लिया, फ़ोन के पास ही बैठी थी कि, मैंने कहा नहीं मैं वीडियो शूट कर रही थी और आपका फ़ोन आ गया, तो भाई मेरा, मेरी जॉब है, मेरा काम है, फ़ोन से ही है सब कुछ, तो मैं एकदम से फ़ोन मैंने पिक कर लिया। तो बस अभी उनका फ़ोन कट किया है एंड बस मैं ये कह रही थी आप सबसे कि मुझे ये सारी चीज़ें करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है घर को लेके, तो इसलिए मैं सोचती थी कि यार मेरा अपना घर हो और ऐसा ना हो कि बुढ़े हो जाएं तब हो, तब तो हम कुछ करने लायक ही नहीं होंगे। तो अभी ये सारी चीज़ें करने का मेरा बहुत मन होता है, तो हमेशा सोचती थी कि अपना घर हो तो अपने घर को ऐसे सजा के संवार के रखूँगी, सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करूँगी, अपने तरीके से डेकोरेट करूँगी घर को। तो वो ख्वाहिश मेरी भगवान ने पूरी की है, सुनी है, बहुत दिल से मेरी जो आस्था कबूल हुई है ना भगवान के चरणों में, सो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मुझे ये चीज़ मिली और भगवान ने इतनी कृपा की, क्योंकि मैं हमेशा ना अच्छा करने में विश्वास रखती हूँ, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और भगवान ऐसा कभी काम मेरे हाथों से कभी करवाए बिना कि किसी का बुरा करूं, क्योंकि मैं बहुत बहुत साफ मन से चलती हूं हर किसी के साथ और मैं चाहती हूं कि सब मेरे साथ ऐसे ही रहें और मैं सबसे प्यार से रहती हूं और सबसे यही एक्सपेक्ट करती हूं कि सब मेरे साथ भी प्यार से रहें। और मुझे ना हेरा फेरी, झूठ बोलना, ये सारी चीज़ें नहीं आती हैं और ना ही मेरे को पसंद है करना, और भगवान कभी ऐसे मुझसे करवाए बिना, ख्वाहिश भगवान ने पूरी की है और शायद ये इसी वजह से की है क्योंकि मैंने अपना मन हमेशा हमेशा सबके साथ साफ और सच्चा रखा है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया और भगवान ऐसा कभी करवाए बिना मेरे हाथों से। और मैं आप सबको भी हमेशा यही कहूँगी कि सबके साथ सच्चे अच्छे दिल से चलो, भगवान आपको सब कुछ देगा सब कुछ। और आज मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, टचवुड, थैंक्स टू गॉड कि भगवान ने, वाहेगुरु जी ने, कान्हा जी ने, श्री कृष्ण भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है। वृंदावन गई थी तो वहाँ से भी मैंने बस यही मांगा था कि भगवान मुझे अपना घर देना, मैं हमेशा बस इस चीज़ के लिए अब ग्रेटफुल रहूँगी कि मुझे मेरी प्रे भगवान ने सुनी है और मुझे सब कुछ दिया है, ठीक है। और मैं खुश हूँ अपने हस्बैंड के साथ, अपनी छोटी सी फैमिली में, टच वुड नज़र भी ना लग जाए कहीं मेरी। और चलिए गाइस, इस वीडियो के ज़रिए बस आप सबको भी यही बताना चाहती हूँ कि सबके साथ अच्छे से रहो, किसी का बुरा मत करो और अच्छे कर्म करोगे तो भगवान आपके साथ हमेशा अच्छा करेंगे, कभी भी अजमा के देख लेना, हमेशा भगवान आपकी सुनेंगे और आपकी प्रे को कबूल करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो बात करते करते बहुत बड़ी हो गई है, तो मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ। आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा कि ये रेंट का घर नहीं है, ये मेरा अपना घर है। मुझे बहुत सारे कमेंट आते थे, कुछ लोग बोलते थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलते थे कि कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू रेंटेड हाउस। तो मैं सोचती थी कि नहीं, मुझे इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाना पड़ेगा ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे सपोर्टर्स हैं, उनको मुझे क्लियर करना पड़ेगा कि मेरा रेंटेड हाउस नहीं है, ये मेरा अपना घर है, अपने घर में मैं शिफ्ट हुई हूँ और अब मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, हिलना नहीं है, यहीं पे बस अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, बच्चे का फ्यूचर देखना है। कहाँ से मिला ये? अच्छा ये वीक हो गया बेटा, इसको रख दो, ये मिक्स मत कर देना उसके साथ, ये खराब है, चलता नहीं है ये, ठीक है, नहीं तो पापा बोलेंगे ये किसने किया चेंज, फिर पिट्टी हो जाएगी, ठीक है ना, आपकी होएगी, मेरी क्यों होएगी। तो चलिए दोस्तों, आप सबको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा,
तो अभी सबको क्लियर हो चुका होगा। सो बहुत से लोगों ने बीच में सही राइट गैस भी किया था कि आपका अपना घर है अपने घर के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस ये वो। तो चलिए, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ मेरे चैनल लाइफ ऑफ इंद्रजीत को सब्सक्राइब करके जाना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं इंद्रजीत मिलूंगी आपसे फिर एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइज़।